तो हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं? तो मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि इस वीडियो में मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, यूट्यूब अर्निंग कटिंग के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब आपका अर्निंग काटता है। कब काटता है? जब आपके पिछले महीने वाला अर्निंग आपके एडसेंस अकाउंट में ऐड होने वाला रहता है, उसके कुछ दिन पहले ही काटता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि यूट्यूब उनका अर्निंग डेली काट रहा है, यानी कि रोज, ठीक है। और खासकर ये प्रॉब्लम उनके साथ हो रही है ज़्यादा जो कि नए यूट्यूबर है, मतलब कि जिनका नया नया चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, यूट्यूब आपका अर्निंग डेली काट रहा है, तो इस वीडियो को एक बार पूरा देख लो। इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दूंगा कि भाई यूट्यूब आपका अर्निंग डेली क्यों काटता है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो अगर आपको भी इसका सोल्यूशन जानना है तो भाई वीडियो पूरा देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो भाई डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब आपका अर्निंग डेली नहीं काटता। हाँ दोस्तों, आपको चेक करने नहीं आता, आपको सही से चेक करने नहीं आता कि भाई आज मेरा अर्निंग कितना हुआ है, ठीक है। आप गलत तरीके से चेक करते हैं, जिस कारण से आपको लगता है कि भाई यूट्यूब रोज रोज आपका अर्निंग काट रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई तू कैसे बोल रहा है, भाई मैं तो सही से चेक करता हूँ, मैं अपना वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और वहाँ पे मेरा अर्निंग दिखाता है। देखिए दोस्तों, जब आप अपना वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पे दिखाता है कि आपका कितना अर्निंग हुआ, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, कितना व्यूज आए, कितना वॉच टाइम, ठीक है। और वहाँ पे आप ऊपर की साइड में अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा लास्ट 28 डेज, यानी कि पिछले 28 दिन का वहाँ पे दिखाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि भाई आज है 28 अक्टूबर, तो 28 अक्टूबर से हमें 28 दिन पीछे जाना होगा, यानी कि 1 अक्टूबर। अब देखिए, 1 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में आपका जितना अर्निंग हुआ होगा, आपके जितने सब्सक्राइबर्स बढ़े होंगे, व्यूज बढ़े होंगे, वॉच टाइम बढ़ा होगा, ठीक है, वो सब वहाँ पे दिखाएगा। लेकिन जैसे ही ये डेट चेंज हो जाएगा, यानी कि 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है, तो अगर आप उस दिन चेक करेंगे तो उस दिन आपका जो वहाँ पे व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स, अर्निंग जो है सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब वहाँ पे देखिए 29 अक्टूबर से आपको 28 दिन पीछे जाना होगा, यानी कि 2 अक्टूबर। अब 2 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में आपका जितना सब्सक्राइबर बढ़े होंगे, अर्निंग हुआ होगा, जितना वॉच टाइम व्यूज, मतलब जो मिला होगा वो दिखाएगा। और जो 1 अक्टूबर का था वो आपको वहाँ से कट कर दिया जाएगा, वहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आप जो होम पेज पे दिखाता है ना शुरू में, वो मात्र आपका 28 दिन का दिखाता है, ठीक है। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ भाई ऐसा होता है, तो जो 29 अक्टूबर आया भाई उस दिन का तो उसमें अर्निंग दिखाना चाहिए ना। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप आज कोई वीडियो अपलोड करते हैं, उस वीडियो से जितनी अर्निंग होती है ना, तो आपको वो आज नहीं दिखाएगा, वो जाके कल अपडेट हो रहा है, आपको कल दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपका जो भी 29 को अर्निंग होता है वो आपको 30 को दिखाई देगा। तो इसलिए अब से आप जब भी अपना अर्निंग चेक करना, तो वाइट स्टूडियो में जाके वहाँ पे सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेना कि आप भाई अपने पिछले मंथ का देखना चाहते हैं या आज का, टुडे का, या फिर मतलब पिछले 7 डेज का या फिर 28 डेज का, ठीक है। जो देखना होगा पहले आप सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद ही देखना। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि यूट्यूब आपका अर्निंग डेली नहीं काटता, बस आपको चेक करने नहीं आता कि आपका कितना अर्निंग हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हो सकता है अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया हो। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो भाई वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस दोस्तों, मुझे इस वीडियो में यही बताना था, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ होता है, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। तो इसलिए मैंने समझा भाई चलो मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना ही देता हूँ, और मैंने ये वीडियो बना दिया। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आपको इसका सोल्यूशन भाई मिल गया, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, शेयर करना, कमेंट करके बताना भाई वीडियो कैसी लगी, ठीक है। कमेंट जरूर करें यार, नाइस, गुड, या फिर कोई क्वेश्चन है कुछ भी भाई कमेंट जरूर किया करो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।